हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एमडीएम स्कूल क्लायर। एज यू नो वी आर ऑन फोर्थ लेसन ऑफ नागरिक शास्त्र ऑफ नाइन्थ क्लास। आज हम नाइन्थ क्लास का नागरिक शास्त्र का फोर्थ लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संस्थाओं का कामकाज, और आज हम क्या है संसद के दो सदन इसके विषय में पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा किसे कहते हैं? लोकसभा संसद का निचला सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 545 होती है। इनमें से सदस्य राज्यों और केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। दो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय
से मनोनीत किए जाते हैं। इसका कार्यकाल पांच वर्ष का जो लोकसभा है, लोकसभा क्या है, संसद का निचला सदन होता है। जो लोकसभा क्या है, संसद का निचला सदन होता है और इसके सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 होती है और इनमें से जो 543 सदस्य हैं वो किसके द्वारा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं और जो दो और सदस्य हैं वो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। मतलब क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा दो सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं और जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना होता है, पांच वर्ष का होता है। और अब हम क्या, जो राज्यसभा, यह संसद का ऊपरी ऊपरी सदन होता है, होता है या है कुछ भी लगा लो, ऊपरी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 है। इसका कार्यकाल छह वर्ष का होता है। कहने का अर्थ है इसके अंदर क्या है, जो यह संसद का क्या है, ऊपरी सदन है, कौन, राज्यसभा, और इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 और इसमें कितने 12 सदस्य है, क्या है, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, किसमें, राज्यसभा में। लोकसभा में कितने, दो सदस्य क्या है, एंग्लो इंडियन के से क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इसके अंदर क्या है, 12 सदस्य क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो 238 है, मतलब कितने, 238 सदस्यों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं चुनती हैं और इसका कितना समय होता है, 6 वर्ष का समय होता है। मतलब इसका क्या अर्थ है, बारह सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत
जाते हैं फेस 238 सदस्यों और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं चुनती कहने का अर्थ है यह संसद का क्या है ऊपरी सदन होता है राज्यसभा और इसके सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है 250 जिसमें से क्या जो 12 सदस्य है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और जो शेष 238 है वो सदस्यों की जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं वो चुनती है किनको 238 सदस्यों को और जो क्या है जो संसद का जो निचला सदन है मतलब जो संसद का जो निचला सदन है लोकसभा उसके पास काफ़ी शक्तियाँ होती हैं शक्तिशाली होता है और ये क्या है जो राज्यसभा का क्या है ये ऊपरी सदन है मतलब क्या है जो ऊपरी सदन की बजाय क्या जो संसद का निचला सदन है वो क्या है ज़्यादा शक्तिशाली है मतलब उसके पास ज़्यादा पावर है और अब हमने ये तो पढ़ा था जो संसद के दो सदन हैं उसके विषय में अब हम क्या है लोकसभा बनाम राज्यसभा के विषय में पढ़ेंगे लोकसभा बनाम राज्यसभा दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है मतलब क्या है राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस कहा जाता है लोकसभा लोकसभा को लोअर हाउस
कहने का अर्थ है जो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है, मतलब राज्यसभा या लोकसभा। इसके अंदर क्या है, जो राज्यसभा को कभी कभी क्या है अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को क्या है लोअर हाउस कहा जाता है। इसका यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है, मतलब कहने का अर्थ है जो राज्यसभा क्या है वो लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की क्या है पुरानी शैली है और हमारे संविधान में भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, मतलब कहने का अर्थ है हमारे संविधान के अंदर राज्यों से संबंधित राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार किसका होता है लोकसभा का होता है। जो मैंने बताया क्या जो निचला सदन क्या है ज्यादा शक्तिशाली होता है, निचला सदन क्या है लोकसभा, मतलब कहने का अर्थ है जो सर्वोच्च मतलब ज्यादा अधिकार किसके पास लोकसभा के पास होते हैं। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य पारित करने के लिए दोनों दोनों सदनों की जरूरत होती है। कहने का अर्थ किसी भी जो सामान्य कानूनों को पारित यानी पास करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, किसकी लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है, मतलब कहने का अर्थ है भी दोनों के मतलब जो दोनों सदनों की जरूरत होती है मतलब किसी भी कानून को पास करने के लिए, सामान्य कानून को पास करने के लिए अगर दोनों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो जाए तो क्या है दोनों के जो संयुक्त अधिवेशन किया जाता है और मतलब अधिवेशन बुलाया जाता है और इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं, मतलब अगर किसी भी कानून को लेकर दोनों सदनों में कोई मतभेद हो जाए तो दोनों सदनों का क्या है अधिवेशन बुलाते हैं और उसके अंदर क्या है दोनों सदनों के सदस्य बैठते हैं और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है, मतलब कहने का अर्थ है जो सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण किसके संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण उनको क्या है पहले प्राथमिकता दी जाती है, मतलब क्या है लोकसभा को किसमें अधिवेशन में और सेकंड क्या है लोकसभा पैसे पैसे के मामलों अधिक अधिकारों प्रयोग करती है लोकसभा में सरकार का
बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा से खारिज नहीं कर सकते। नहीं कर सकती है मतलब कहने का है लोकसभा क्या है पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। मतलब क्या है लोकसभा के पास क्या है ज्यादा अधिकार हैं और पैसे के मामले में वो लोकसभा ज्यादा अधिकारों का प्रयोग करती है और लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कानून पारित हो जाए। मतलब कहने का अर्थ है लोकसभा के अंदर क्या है कोई बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए पास हो जाए तो राज्यसभा क्या है उसको खारिज नहीं कर सकती है और राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है। मतलब क्या है उसको क्या है पास करने में क्या है सिर्फ देरी कर सकती है राज्यसभा वो भी कितने दिन की 14 दिन की लेकिन उसको पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती और या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है मतलब परिवर्तन करने के। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझाव को माने या ना माने। मतलब क्या है क्योंकि ज्यादा पावर किसके पास है सकती है लोकसभा के पास। लोकसभा क्या अपनी शक्ति और अपने अधिकारों के अनुसार क्या है सरकार के जो बजट है पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसको क्या खारिज नहीं कर सकती उसमें क्या देरी कर सकती है और संशोधन करने के लिए कह सकती है और ये मतलब क्या है लोकसभा का अधिकार है कि वो सुझाव को माने या ना माने। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है और सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। मतलब कहने का अर्थ है लोकसभा क्या जो मंत्रिपरिषद को उसको भी नियंत्रित करती है और सिर्फ वही व्यक्ति मंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। मतलब कहने का अर्थ है जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो आधे से अधिक मतलब जो लोकसभा के सदस्य हैं आधे से अधिक ये बोल दे कि हमें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो क्या जो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होगा और राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। मतलब क्या है राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है ये लोकसभा को है। आज हमने क्या जो संसद के दो सदन हैं उसके विषय में पढ़ा लोकसभा और राज्यसभा। मतलब लोकसभा के पास कितने अधिकार हैं और राज्यसभा के कितने पास के अधिकार हैं इन के विषय में पढ़ा। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे। घर